वेलकम टू टेक्नोबस डॉट नेट फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो रूटेड फ़ोन होता है, रूटेड एंड्रॉयड फ़ोन में, उसमें बैंकिंग ऐप्स को यूज़ कर सकें। कभी ना कभी आप में से किसी ने अपने फ़ोन को रूट किया होगा, और रूट करने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, आप काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या भीम एप्लीकेशन हो गया, या गूगल पे हो गया, एंड्रॉयड पे हो गया, गूगल तेज हो गया, पेटीएम हो गया, एक कोई भी बैंक के एप्लीकेशन जो होते हैं वो रूटेड फ़ोन्स में आप काम नहीं कर पाते हैं। एक सिक्योरिटी वार्निंग आती है कि आपका फ़ोन रूटेड है और आप उन एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो है जितने भी बैंकिंग या पेमेंट वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको ये डर लगता है कि आपने अपने फ़ोन को रूट कर लिया है तो कोई आप हैकिंग ना करें या कोई आपके फ़ोन को हैक ना कर ले और आपके जितने भी प्राइवेट डिटेल्स हैं जैसे बैंकिंग रिलेटेड वो कोई ना कोई उनको चोरी ना कर ले। तो इस वीडियो में बताऊँगा कैसे आप इनको आसानी से अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका फ़ोन रूटेड होगा। तो चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोबस.net चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट टेक अपडेट्स आपको मिल सकें। तो सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमने कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लिए हैं, जैसे ये पेटीएम, भीम का SBI ऐप, गूगल तेज ऐप, भीम का एप्लीकेशन। तो अब जो है आपको मैं धीरे दिखा देता हूँ कि हमारा फ़ोन जो है रूटेड है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो बता दूँ कि हमारा फ़ोन जो है ऑलरेडी रूटेड है, हमने अपने फ़ोन को रूट कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार चेक करके, ये रूट चेकर एप्लीकेशन है, इसको हमने रन किया था। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, रूट एक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। और ये मैजिक्स मैनेजर एप्लीकेशन है, वो भी हमारे फ़ोन में इंस्टॉल है, कि दैट मीन्स कि हमारा फ़ोन जो है इस टाइम पर रूट है। तो अब होता क्या है, जैसे कोई आप एप्लीकेशंस को इसमें इंस्टॉल करते हैं तो आपको या रन करते हैं कोई भी बैंकिंग रिलेटेड एप्लीकेशन, तो आपको एक एरर आता है। मैं आप एरर दिखा देता हूँ एक बार। पहले ही मैं सारी एप्लीकेशन जो है एक बार क्लोज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या एरर आता है। सपोज़ कीजिए ये हमारा भीम का एप्लीकेशन है, मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं इसको रन करूँगा स्क्रीन ओपन होती है और एक मैसेज आता है, डिवाइस रूटेड, योर सिक्योरिटी मे बी कॉम्प्रोमाइज सिंस योर डिवाइस इज रूटेड, प्रोसीड एट योर रिस्क। तो इस तरीके की आपको पेमेंट एप्लीकेशन के ऊपर एक वार्निंग आती है। तो इस वार्निंग को आप कैसे फिक्स करते हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए, रूट करने के फ़ोन के दो तरीके होते हैं, एक तो मैजिक सुपर SU और एक सुपर SU, सॉरी एक मैजिक्स मैनेजर और सेकंड जो होता है सुपर SU। मैं रिकमेंड करता हूं कि मैजिक्स मैनेजर को आप यूज़ करें, क्योंकि वो एक सिस्टमलेस रूट होता है और उसमें आप आसानी से जो भी रूटेड एप्लीकेशन हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, आपको रन नहीं कर पा रही हैं, उनको आप हाइड करके उन एप्लीकेशन को ईजिली यूज़ कर सकते हैं मैजिक्स मैनेजर के। तो उनको कैसे करना होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया कि हमने भीम एप्लीकेशन रन किया जो हमारे काम नहीं किया, उसमें डिसमिस का एरर आया कि सिक्योरिटी का कुछ उसमें इशू था। तो जैसे हम मैजिक्स मैनेजर को ओपन करेंगे, आपको क्या करना है, ये दोनों ऊपर जो ऑप्शन है ये दोनों ग्रीन होने चाहिए, और साथ साथ आपको ये टैप टू स्टार्ट सेफ्टी नेट चेक है, इसको एक बार टैप करना है ताकि आपको पता चल सके मैजिक्स मैनेजर जो है आपके फ़ोन में इंस्टॉल ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, ये दोनों टिक हो गए हैं, ये भी ठीक है। अगर नहीं होते हैं टिक तो आप फिर से मैजिक्स मैनेजर को इंस्टॉल करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। या तो आपने पुराना वर्जन डाउनलोड कर लिया है या वो अच्छी तरीके से इंस्टॉल नहीं है, आपको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इसको TWRP कस्टम रिकवरी के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। आप मैं नीचे काफ़ी सारे वीडियोस दे दूंगा जिसको देख के अपने फ़ोन में मैजिक्स मैनेजर को इंस्टॉल कर सकते हैं TWRP के थ्रू। अभी लास्ट में एक ऑप्शन है, आप इसको भी टिक कर लेंगे। अब ये तो हो गया, आपने मैजिक्स मैनेजर के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें टिक। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर आप ये मेनू का बटन देख रहे हैं इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करते ही आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मैजिक्स सुपर यूज़र, मैजिक्स साइट, मॉड्यूल्स, डाउनलोड्स, ऐसे। तो इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे थर्ड नंबर ऑप्शन है मैजिक साइट, इस पर टैप करना है। अब जो जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में काम नहीं कर रहे थे पेमेंट रिलेटेड एप्लीकेशन, आपने उन सबको यहाँ पर जाके सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारे कौन से काम, तक भीम काम नहीं कर रहा था हमारा, भीम SBI पे काम नहीं कर रहा है, अगर आपको लगता है आपका पेटीएम भी काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप उन सब एप्लीकेशन को यहाँ पर जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या है, उनको सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। उसका अगर नहीं काम करता है तो आप एक बार फ़ोन को रिबूट कर लेंगे, उसके बाद सारे एप्लीकेशन जो है आपके फ़ोन में ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। ये देखिए, पेमेंट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक मैं जो गूगल का तेज एप्लीकेशन होता है इंडिया में, उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे कि पहले आपने देखा था जो भीम एप्लीकेशन थी वो हमारे फ़ोन पे काम नहीं कर रही थी ठीक तरीके से, एक हमको एरर आया था। अब हम उस एप्लीकेशन को फिर से एक बार रन करेंगे और देखते हैं कि वो काम करती है कि नहीं। ये देखिए, हमने ओपन किया,
देखिए प्लीज़ वेट, इस बार हमें कोई वार्निंग नहीं आई है, सीधा हमको अपने वेरीफाई मोबाइल नंबर को करने का है। इसी तरीके से हम कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए पेटीएम पे भी हमको कोई वार्निंग नहीं आएगी, अब सीधा हमको पूछेगा अपनी लॉगिन डिटेल्स भरने को। तो इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, रूटेड एप्लीकेशन में रूटेड की वार्निंग आ रही है या सिक्योरिटी का वार्निंग आ रही है, आप उस इशू को इस मैजिक्स मैनेजर के जो मैजिक्स हाइड वाला ऑप्शन है उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना होता है, मैजिक्स हाइड में जाना है और जो जो एप्लीकेशंस काम नहीं कर रही हैं ठीक से उनको सिर्फ एक बार सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ये सारी एप्लीकेशन जो है आपके फ़ोन में ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कोई कमेंट्स हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं, मैं उसके के कोशिश करूँगा कि आपको उनकी रिप्लाई दे सकूँ ताकि आप जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।